Hello everyone, this is Neha and this is Shivam Rania. So we are back again with a new reaction video. आज की वीडियो होने वाली है हजरत रबिया बसरी का वाक्य. Story of हजरत रबिया बसरी. So देखते हैं ये वीडियो मौलाना तारिक जमील जी. So ये वीडियो देखते हैं. फर्स्ट टाइम मैंने तो नाम भी फर्स्ट टाइम सुना है हजरत रबिया बसरी. हाँ, मैंने भी फर्स्ट टाइम ही सुना है नाम और हमने इनके बारे में सर्च नहीं किया. वो हमें आप बताओगे. आपको पता है कि हमारे बार आपसे पूछते हैं और आप बहुत अच्छे अच्छे आंसर देते हो, तो बहुत 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 अच्छा लगता है. और दूसरी बात यह है कि फर्स्ट टाइम सुनने लगे, देखते हैं इस बयान में क्या होता है, क्या ऐसी बात करते हैं मौलाना तारिक जी. जरूर कुछ ना कुछ मतलब रिलेटेड ही होगा. सो करते हैं आप प्ले, फिर करते हैं अपन बाकी बातें डिस्कस. वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में. ओरिजिनल ओरिजिनल नहीं होता, रीजनल होता है. आपने बोला ओरिजिनल. ओरिजिनल वीडियो. रबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह को दुनिया से गए हुए 1200 साल हो चुके हैं, लेकिन उनका नाम आज भी जिंदा है, रबिया बसरी. गिलगित की औरतों को भी पता है रबिया बसरी कोई बड़ी आला दर्जे की खातून थी. पंजाब की औरत को भी पता है, अरब की, अजम की औरतों को पता है, रबिया बसरी ना कोई शहजादी थी, ना कोई मलका थी, ना कोई वो खूबसूरत थी, ना कोई खानदानी थी, बल्कि औरत होने के लिहाज से हर ऐब उसमें था. खानदान अच्छा होना चाहिए तो वो गुलाम थी, बांदी थी. शकल अच्छी होनी चाहिए तो वो बदसूरत थी, काली थी. पे चलो शकल में कैसी हो, खानदान कैसा, औलाद के काबिल तो हो. रबिया बसरी औलाद के काबिल भी नहीं थी. बांझ, बांझ उसको कहते हैं जो औरत औलाद के काबिल ना हो, उसको उर्दू में बांझ कहते हैं, अरबी में अकीम कहते हैं. आपकी जुबान में भी कुछ कहते होंगे, है शोणी, शोणी थी. तो अब बताओ औरत होने के लिहाज से कोई चीज है. शकल पहली, पहला तासर शकल काली, दूसरा तासर खानदान गुलाम, तीसरा तासर औलाद के काबिल नहीं, बांझ है, शोणी है. तो 1200 साल के बाद मैं गिलगित में क्यों उसका नाम बुलंद कर रहा हूं. मैंने किसी बादशाह की बीवी का नाम तो नहीं लिया, सिकंदर की बीवी और बनु उमैया और बनु बास की मलका और बेगमात उनके नाम तो नहीं लिए. मैं कह रहा हूं रबिया बसरी. उनकी आदत ये थी, वो रोजाना ईशा की नमाज के बाद गुसल करके कपड़े बदल के अपने खाविंद से पूछती, आपको मेरी जरूरत है? अगर वो कहते कोई नहीं है तो फिर पूछती मुझे इजाजत है? कहते इजाजत है, तो फिर मुसल्ले पे खड़ी हो जाती और फजर की नमाज तक मुसल्ले पर खड़ी रहती. उनका खामिन जल्दी फौत हो गया, जवानी में ही बेवा हो गई. तो हसन बसरी बसरा के इमाम, क्या सारे मुसलमानों के इमाम थे, वो खुद आए, खुद खुद चल के आए कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं. वो शादी का शौक नहीं था उनको, वो तो औलाद के काबिल नहीं, शक्ल सिर्फ उनकी नेकी और उनका जो अल्लाह से ताल्लुक था, उनको ये लालच हुआ कि ये मेरी बीवी हो जाए तो इसकी तो फैल शायद मेरी बख्शिश हो जाए. तो उनके पास आए, कहने लगे रबिया मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ. खुद पैगाम लेकर आए. तो उन्होंने फरमाया मेरी चार बातों का जवाब दे दो तो मैं शादी कर लेता. कहने लगे क्या? कहा ये बताओ मैं जन्नती हूं कि दोजखी हूं. कहने लगे ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता. अच्छा ये बताओ जब अल्लाह ताला क़यामत में आमाल नामे उड़ाएगा, किसी के सीधे हाथ में आएगा, किसी के उल्टे हाथ में आएगा, मेरे सीधे हाथ में आएगा कि उल्टे हाथ में आएगा? कहने लगे ये भी कुछ नहीं बता सकता. कहने लगे अच्छा ये बताओ जब अल्लाह नेकियों को तोलेगा, किसी की नेकियां बढ़ जाएंगी, किसी के गुनाह बढ़ जाएंगे, मेरे गुनाह ज्यादा होंगे, नेकियां ज्यादा होंगी? कहा ये भी नहीं बता सकता. कहा अच्छा ये बताओ जब लोग पुल सरात से गुजरेंगे, कोई पार निकल जाएंगे, कोई नीचे गिर जाएंगे, तो मैं पार निकलूंगी कि दोजख में गिरूंगी? कहने लगे ये भी मैं नहीं बता सकता. तो फिर फरमाया अच्छा जाओ मुझे तैयारी करने दो, मुझे इन चार बातों की तैयारी करनी है, मेरे पास शादी के लिए वक्त कोई नहीं है. एक दिन उठी, सालन पकाने के लिए सालन हांडी, देखा तो प्याज कोई नहीं, प्याज कोई नहीं. अब प्याज काट के हांडी में डाला जाता है. अब परेशान बैठी है, ना कोई बेटा, ना बेटी, ना खामिद, ना भाई, ना कोई खादिमा. तब सोच में पड़ी प्याज कहां से लूं. ऊपर से एक चील उड़ती हुई जा रही थी.
उसके पंजों में प्यास था। जब वो ऊपर आई है तो उसके पंजे छूटे और प्यास सीधा राबिया बसरी की गोद में आ गया। जो हमसे दोस्ती लगाते हैं हम परिंदों को उनका खिदमत गुजार बना देते हैं। हाँ, जो अल्लाह से दोस्ती लगा लेते हैं अल्लाह दुनिया उनके लिए मुसख्खर कर देते हैं, अल्लाह दुनिया उनके पाँव में डाल देते हैं। तो जब इनका इंतकाल हुआ रात को इनका इंतकाल, तो अपनी खादमा से कहा बस दो चार आदमी बुला के मुझे जल्दी से दफन कर दो, किसी को ना बताओ, सुबह लोगों को बता देना और मुझे कफन देना मेरी उसी वो उस चादर में जिसमें मैं तहज्जुद पढ़ा करती थी। तो उन्होंने रातों रात दफन करके सुबह ऐलान किया, शोर मच गया, हाय क्यों बताया क्यों नहीं बताया क्यों। तो अगली रात उनकी खादमा ने उनको ख्वाब में देखा, सब्ज लिबास पहना, हुस्नो जमाल सूरज चेहरे पे चमक रहा। पूछा आपके साथ क्या हुआ? कहा मेरे अल्लाह ने मेरे साथ बहुत उम्दा मामला किया। कहा आपकी वो चादर कहाँ गई जिसमें आपको कफन दिया था? कहा वो अल्लाह ताला ने उतार ली है और मुझे जन्नत का जोड़ा पहनाया है और उस चादर को अल्लाह ने संभाल के रखा है, जब क्यामत के दिन मेरी नेकियों को अल्लाह तोलेगा तो उस चादर को भी उसमें तोलेगा। उन्होंने पूछा मुनकर नकीर का क्या हुआ? सवाल जवाब होता है ना, मुनकर नकीर आते हैं, उनका क्या हुआ? कब वो आए थे? तो उन्होंने मुझसे कहा मन रब्बू की, तेरा रब कौन है, तेरा रब कौन है? तो मैंने मुनकर नकीर से कहा जिस अल्लाह को 40 साल नहीं भुलाया उसको 4 हाथ जमीन के नीचे आकर मैं भूल जाऊंगी। ये नहीं कहा रब्बी अल्लाह है, बल्कि उनको यूं कहा कि जिस रब को 40 साल मैं ना भुला सकी उसको 4 हाथ जमीन के नीचे आकर मैं भूल जाऊंगी। तो मुनकर नकीर ने कहा इसका आगे क्या हिसाब लेना, चलो भाई वापस चलो, चलो भाई वापस चलो। ये बात आपने हजरत उमर से फरमाई थी, उमर वो क्या दिन होगा जब तू कब्र में होगा और मुनकर नकीर आएंगे जमीन को चीरते हुए और उनके हाथ में हथौड़ा होगा, सारी दुनिया के इंसान जिन उठाना चाहें तो उठा नहीं सकेंगे और उनकी आवाज में बिजली की कड़क होगी, वो जमीन को चीरते आएंगे, उनके दांत लंबे होंगे, तो वो आकर तुमसे सवाल करेंगे मन रब्बुक मा दीनुक मन नबीयुक। तो हज़रत उमर कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरे होश ठीक होंगे, जैसे मैं अब बैठा हूं मैं ऐसे होऊंगा? तो हमारे नबी ने फरमाया हाँ तो ऐसे ही होगा जैसे तू अब बैठा हुआ है। तो कहने लगे फिर मैं अच्छी तरह उनसे निमट लूंगा। तो जिब्रील आए कहने लगे या रसूल अल्लाह हम देख रहे हैं आगे कि उमर को जब कब्र में डाला जाएगा और आकर मुनकर नकीर इनसे सवाल करें कि मर रब्बुक, तो ये कहेंगे रब्बी अल्लाह फमन रब्बुकुमा, मेरा रब तो अल्लाह है, तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है, मेरा दीन तो इस्लाम है, तुम बताओ तुम्हारा दीन क्या है। तो वो मुनकर नकीर कहेंगे अजीब बात है, हम तुम्हारा हिसाब लेने आए कि तुम ये था हजरत राबिया बसरी का वाक्य है ना, मतलब वो बहुत ज्यादा एक ना शरीफ टाइप की थी। तो कोई उनको कहता कि तुम्हारा निकाह कराते हैं, वो कहते हैं अच्छा तुम लेना ये तीन चार सवालों के जवाब दो, है ना। कहते कि मतलब औरत होने का जो मतलब मेरी सूरत कैसी, कहते तुम्हारी मतलब सूरत इससे अच्छी नहीं थी, है ना। देन उसके बाद यार कुछ और बोला था, खानदान, तो खानदान भी कोई भी नहीं था ना। सो लेकिन जब उनके साथ आखिर जब हुई तो बहुत अच्छा हुआ ना, एक वो चादर सी लेके रखती थी, लेकिन जब अल्लाह ने जब वो उनका इंतकाल हुआ तो अल्लाह ने जो है उनको जन्नत के कपड़े पहनाए, मतलब वो जन्नत में गई है। सो उनके अमाल अच्छे थे, उनका बिहेवियर सब कुछ अच्छा था, उसी की रीजन से वजह से ही वो जन्नत में, कुछ बड़े खानदान या फिर बड़ी खूबसूरती होने का कोई मैटर नहीं करता है। ये अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह को मनाने के लिए वो आपको पैसों से कभी नहीं कर पाओगे चीज अचीव, वो आपके मतलब अमाल अच्छे होने चाहिए, अखलाक अच्छे होने चाहिए, दिल अच्छा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए। जिनकी जुबान तो अच्छी होती है लेकिन दिल से वो कुछ और होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कुछ और बाहर से कुछ और।
ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इसी वजह से है कि आप रब को पा सकते हो। यस, और जिस बाकी यही तरह था। राबिया बस्ती ने बाया उनको हाँ जी तो बाकी तो आप सभी बताना आपको कैसी लगी वीडियो, ऐसी वीडियोस और चाहते हो आप स्टोरी बेस्ड तो जरूर कमेंट करके बताना। जी बाकी लिंक सेंड करते रहो और हम रिएक्शन करते रहेंगे जैसे जैसे। अब मैंने नेहा को काम दिया है कि अपने सारे कमेंट्स इंस्टाग्राम के देखना और जो भी यूट्यूब कमेंट्स है सारे नोट करके रखना पेपर पे। जैसे पहले भी हमने एक पेज पे वीडियो लिखी थी, अभी भी पेंडिंग है उस पर रिक्वेस्ट, पर अब दोबारा से लिख लेते हैं जो भी है। सो सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अपनी जितनी भी है सारी अपनी सारी रिक्वेस्टें कर दो सो दैट हम दोबारा से पेजेस पे लिख लें और फिर बनाते जाए रिएक्शन धीरे धीरे। बाकी फिलहाल इस पर गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बाय। में।